विकास क्या कहेंगे आज पुली का उद्घाटन जो किया गया? आज यहाँ पुली का उद्घाटन किया गया है। इसकी परेशानी इस इलाके के सभी लोगों की थी और ख़ासकर ये जो नाला था ये काफ़ी उफान पे रहता था जब बरसात आती थी। इसका काम थोड़ा डिले हुआ है क्योंकि उसमें जो यूटिलिटीज थी उसको शिफ्ट करने में देरी लगी है और जो अभी दूसरा कलवट पड़ा है उसमें भी यही दिक्कत है कि इसकी यूटिलिटी शिफ्ट जो करनी है उसमें दिक्कत आ रही थी कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को दिया था उसने काम इसको टाइम पर नहीं किया है जिसने पीएचई की यूटिलिटी शिफ्ट करनी है, उससे दूसरे कॉन्ट्रैक्टर का काम भी रुका है। तो अभी ये तुरंत शुरू हो जाएगा। आज इस पुली का उद्घाटन जो हुआ है ये 68 लाख का इसकी लागत आई है और दूसरी भी लगभग इतनी ही लागत से बनेगी। पूरे जम्मू शहर में हर तरफ हमारे माननीय पार्षद अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और डेवलपमेंट का काम बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। पूरे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को और अपने पार्षदों को मैं बधाई देता हूँ कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं जम्मू वासियों का उसमें काफ़ी भला हो रहा है। सर ने बताया ये जो पुली का आज उद्घाटन हुआ है इसमें काफ़ी विलंब रहा और जो दूसरी पुली जो भी मुझे जो भी कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई 2 या 3 दिन में और जय साहब और हमारे चीफ हमारे जॉइंट कमिश्नर साहब भी साथ खड़े हैं उनसे बातचीत के बाद ये लगा 2-3 दिन में हम ये भी काम तुरंत इसको शुरू कराने का प्रयास करेंगे और इनसे जो भी है जॉइंट कमिश्नर साहब से भी बात हुई है जो कंसर्न अभी एक्सीएन है उनसे भी बात हुई है कि इस काम को टाइम बाउंड करके जो हमारी रिक्वायरमेंट हम इसको 3 महीने में कोशिश करेंगे बरसात से पहले पहले ये कलवट जो है कंप्लीट हो जाए। जो विलंब उस पुली में हुआ उस पुली में हम ना होने देंगे और ना ही लोगों को इस बात का इनकन्वीनियंस फील होगा। ये तुरंत हमारी ऑलरेडी डिस्कशन ठेकेदार साहब से भी हो गई है जॉइंट कमिश्नर साहब से कंसर्न एक्सीएन साहब से भी हुई और हमारे स्मार्ट सिटी के जो CEO हैं अपना राकेश जी हमने बैठ के ऑलरेडी पहले ही मीटिंग कर ली। जो विलंब की वजह से हमें लोगों की परेशानी झेलनी पड़ी है इसको आइंदा नहीं झेल पाएंगे तो इसलिए इसको हम अच्छे से अच्छा करके तुरंत और टाइम बाउंड टाइम में करके लोगों को सुविधा प्रदान करें।